अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके साथ आज की अपनी इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। मैं चाइना मार्केट गई थी, दोबारा कुछ चीज़ें मैंने ली हैं, वो आपको दिखाऊंगी, कुछ क्लिप्स दिखाऊंगी इस शॉप का जिसको हमने विज़िट किया था। नाम डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह लिखा हुआ होगा और आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे। अच्छा जी, तो अच्छा प्राइसेस का ये होता है, एक तो चेंज होती रहती है, लेकिन जो अभी मैं जिस प्राइस पर लेकर आई हूँ वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो मैंने एक तो ये टेबल लिया वहाँ से, ये गोल्डन एक है स्टैंड के साथ टेबल है, और बकेट स्टाइल का इसका है जो रखने वाली स्पेस है, जो टॉप है वो, और अंदर इसके मिरर लगा हुआ है। ये फाइनली मैं कैसे रखूँगी ये भी आपको नज़र आ जाएगा, और मोस्ट प्रोबेबली ये जिन दिनों मैं ये वीडियो शायद आप बाद में देखेंगे और मेरा टूर लाउंज का पहले देख लेंगे तो उसमें आपको ये नज़र आ जाएगी कि मैंने कैसे रखी हुई थी। तो ये मैंने, मुझे याद नहीं है, मैं बहुत पहले से चाइना मार्केट जाती हूँ, बहुत पहले से, अपनी शादी से भी पहले से, तो अब प्राइसेस बहुत बहुत चेंज हो गई हैं। कुछ डॉलर की प्राइस चेंज हुई है या जो भी कोई रीज़न होगा मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि प्राइसेस ओवरऑल पूरी दुनिया में जैसे चेंज हुई हैं, हमारे मुल्क में शायद उससे डबल चेंज हुई हैं। लेकिन ये मैं आपको टेबल दिखा रही थी, और ये भी आप इस वीडियो से पहले इंशाल्लाह मेरे लाउंज का जो होम टूर देखेंगे उसमें आपको ये नज़र भी आ जाएगा। इसके नीचे ग्लास है और ये थोड़ा सा डेप्थ में है टेबल, इस तरह से हाइट में है। अच्छा, मैं इसको दो तरीके से यूज़ करूँगी। एक तो मैं इसको अपने बेड साइड पे रखूँगी, जो मेरी रात वाली चीज़ें होती हैं, जो चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ, जैसे कलौंजी सुबह नहार मुँह लेती हूँ, और ये डिफरेंट जार्स मेरे साइड टेबल पे पड़े होते हैं, रिमोट्स, मेरा वेंटोलिन इनहेलर पड़ा होता है, या कोई और इस तरह की चीज़, टिश्यू पेपर्स पड़े होते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी इसके अंदर आराम से आ सकती हैं। तो इसलिए इट्स सेल्फ ही एक बास्केट की तरह से है, तो आप इसको रख सकते हैं। नंबर टू, ये मैंने टेबल मैट्स लिए हैं, डाइनिंग टेबल के मैट्स, मैंने डाइनिंग टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से लिए हैं, आप इसको किसी तरह और भी यूज़ कर सकते हैं। ये रबर के हैं और इस तरह ये गोल्डन है, और क्योंकि आपको पता है मेरी मोस्टली चीज़ें वाइट, गोल्ड और एंटीक ही होती है, तो इसलिए ये गोल्डन ही मैंने लिया है अपने डाइनिंग टेबल के लिए भी। दो मैंने एक्स्ट्रा ले लिए थे ताकि वो सेंटर में जो एक रनर टाइप की तरह मैं इसको बिछा सकूं। तो ये सेकंड मेरी शॉपिंग। फिर अच्छा जी, कैंडल्स का भी अगेन, आप लोग सब जो मुझे देखते रहते हैं हमेशा, आपको अंदाज़ा हो ही चुका है मुझे कैंडल्स का भी बहुत शौक है, तो ये कैंडल है। अच्छा, और खुशबू, मैं इसका जैसे जार खोल रही हूँ ना, आप यकीन करें इतनी अच्छी खुशबू मुझे आई है, ये देखिए, एंड में मैं सेट करके दिखा दूंगी, अब इस पर डाल दूँ, बहुत प्यारी है। ये पूरे ग्लास का है जार, ये रिफिल भी हो सकता है, और उसके अलावा इसको आप एस जार भी बाद में यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, पता मुझसे गलती होगी, मैंने खाली एक लिया, मुझे दो लेने चाहिए थे, क्योंकि बाद में मैं इसको एस जार, कुकी जार या शुगर पॉट, या जो मैं अपने साइड टेबल पे जो चीज़ें रखती हूँ ना, जो मैं आपसे कह रही थी निहार मुँह कलौंजी खाती हूँ, वो सारी चीज़ें भी मैं इसमें डाल के रख सकती थी, सौंफ अपने साइड टेबल पे, तो मैं मोस्ट प्रोबेबली उससे कहूँगी कि मुझे वो, मुझे घर पे भी कोई चीज़ मैं देख के आई हूँ तो मैं कॉल कर दूँ तो मुझे घर भी भेज देते हैं, तो मैं ये एक और मंगवा लूँगी। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है, स्कैनिंग की। अच्छा जी, नेक्स्ट एक और मेरी कैंडल है, ये है ये, ये मेरी एक और कैंडल है। अच्छा, मैं ना हर दफ़ा वो ये ले रही थी कैंडल्स, जो
जो लंबे वाली है ना, ये मैंने पहले वैसे आई होंगी बहुत अच्छे से, लेकिन मैंने पहले नहीं देखी थी। इनमें भी इलेक्ट्रॉनिक कैंडल्स हैं, तो ये मेरे जो कैंडल्स का जो साइज़ है ना, उसमें जब मैं दूसरी कैंडल लेती थी तो वो पिघल जाती थी या कभी वो अवेलेबल होती थी कभी नहीं। वैसे मैं आइकिया से लाई हुई थी लेकिन अभी मुझे वहाँ पर नहीं मिली थी इस दफ़ा, तो मैं ये भी दो ये वाली कैंडल्स भी वहाँ से लेकर आई हूँ। ओरिजिनल कैंडल्स तो अपनी मिसाल आप हैं, वो तो बहुत ही अच्छी लगती हैं, तो ये ओरिजिनल कैंडल्स भी मैं लाई हूँ। ये भी सेंटेड ही हैं, तो ये मेरी आज की सारी शॉपिंग है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और अब मैं आपको इनकी प्राइसेस बताऊँगी सबकी। ये टेबल, जो टेबल है ये लिया है मैंने 10,000 का। ये कैंडल्स जो ये लंबे वाली हैं, ये देखिए मेरे पास बिल भी है, मैं सब कुछ आपको साथ साथ बताती रहूँगी। कैंडल ये जो लंबे वाली हैं ये हैं 2,000 की हैं ये दोनों, यानी 9,900 की 1,800 की हैं। और ये है 1,800 की, ये है 1,300 की, और ये है 500 की, और ये दोनों हैं 225 की। ठीक है, अच्छा ये जो मैट्स हैं, ये मैट है 350 का एक है ये वाला, ये जो मैंने आपको दिखाया था ना, ये यानी 350 का एक मैट है। तो ये थी मेरी आज की शॉपिंग जो मैंने की। और अब ये कैसे यूटिलाइज होगी, ये मैं जब अभी होम टूर करा रही होंगी तो आपको नज़र आ जाएगी कि मैं कहाँ रख रही हूँ इसको। तो आज इसी बात से चलते हैं, दोबारा मिलेंगे। मुझे पता भी नहीं रहता कि हम क्या कर रहे होंगे या क्या होगा, लेकिन जो कुछ भी होगा, जैसा भी दिन गुजरेगा, घर में मैं जो कुछ भी कर रही होंगी, आप लोग मेरे साथ होंगे।